मॉर्निंग बच्चों, आज हम कोशिका के वृहद जीव अणु के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने कोशिका के सूक्ष्म जीव अणु के बारे में पढ़ा है। हमारे जो शरीर है, मतलब जीवों का जो शरीर है, वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और वो जो कोशिकाएं हैं विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने हुए हैं। तो कोशिका में जो रासायनिक पदार्थ जो है मुक्त अवस्था में, तात्विक अवस्था में न रहकर अणुओं के रूप में विद्यमान होते हैं। उन अणुओं को सम्मिलित रूप से हम, मतलब कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त रासायनिक अणुओं को एक साथ कोशिकी पुल या कोशिकी कुंड के नाम से जानते हैं, अर्थात उसको हम कोशिका या कोशिकी पुल कहते हैं, या सेलुलर पुल के नाम से इनको जाना जाता है। ये जो जीवों के शरीर की कोशिकाओं में जो जो अणु पाए जाते हैं या कोशिकी पुल होता है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के यौगिकों से या अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। एक तो सूक्ष्म जीव अणु और दूसरा वृहद जीव अणु। सूक्ष्म जीव अणु, जिसको पिछले चैप्टर में आपने पढ़ लिया है, जो मोनोसेक्राइड्स हैं, ओलिगोसेक्राइड्स हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये सब सूक्ष्म जीव अणु के अंतर्गत आते हैं। और फिर कुछ ऐसे जीव शरीर की कोशिकाओं में जो है अणु पाए जाते हैं जिनकी रासायनिक जो संरचना होता है सूक्ष्म जीव अणुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है, जिनका अणुभार अधिक होता है, जिनकी रासायनिक संरचना जो है वो जटिल होती है। और इन्हीं सूक्ष्म अणुओं के बहुलीकरण के से सूक्ष्म जीव अणुओं के बहुलीकरण से जो अणु तैयार होते हैं या बनते हैं कोशिकाओं में, उन्हीं को कहा जाता है वृहद जीव अणु, जिसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ये जो वृहद जीव अणु होते हैं, ये शरीर की जो कोशिका द्रव्य है और फिर केंद्रक द्रव्य, जिसको हम सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं, उस जीव द्रव्य में ये पाए जाते हैं, या फिर उस जीव द्रव्य का एक प्रमुख घटक होते हैं। जैसे प्रोटीन, फिर पॉलीसेक्राइड्स, फिर न्यूक्लिक अम्ल, इस न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत दो अम्ल आते हैं, डीएनए और आरएनए। ये सभी जो अणु होते हैं इनको कहा जाता है वृहद जीव अणु, क्योंकि इनकी रासायनिक जो संरचना होता है वो बहुत जटिल होता है, और इन्हीं के अणुओं के बहुलीकरण के द्वारा इनको तैयार किया जाता है। तो बहुलीकरण की क्रिया में जो भाग लेने वाले जो अणु होते हैं, उन अणुओं को हम क्या कहते हैं, मोनोमर, और जो यौगिक बनता है वो यौगिक कहलाता है बहुलक। अब हम देखते हैं ये जो सूक्ष्म वृहद जीव अणु है इनमें क्या क्या गुण होते हैं। वृहद जीव अणु के गुण, जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले वृहद जो जीव अणु होते हैं, इनकी रासायनिक संरचना जटिल होती है, ये पहला उनका गुण हो गया। दूसरा, इनका आणविक द्रव्यमान अधिक होता है। तीसरा, इनकी जल में विलेयता बहुत कम होती है, मतलब कोई भी कार्बनिक यौगिक को या अकार्बनिक यौगिक को जैसे जैसे उसकी अणुभार जो है बढ़ता जाएगा, है ना, जैसे जैसे उसकी अणुभार बढ़ता जाएगा या उसकी जटिलता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी जल में जो विलेयता है वो कम होता जाता है, क्योंकि जल के साथ अस्थायी हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता उसमें धीरे धीरे घटता जाता है। फिर अगला गुण, ये जो है स्वाद में मीठे नहीं होते, है ना, जबकि इससे पहले जो सूक्ष्म जीव अणु पढ़े थे उसके अंतर्गत हम मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स पढ़े थे, उनका गुण क्या था, स्वाद में मीठे थे। लेकिन ये जो वृहद जीव अणु जो है, जैसे पॉलीसेक्राइड्स, है ना, जिनका आणविक द्रव्यमान बहुत उच्च है और जल में अविलेय है, मतलब बहुत कम घुलनशील है, है ना, और ये जो है कोशिकाओं में जल के साथ कोलाइडी विलयन के रूप में मौजूद होते हैं, मतलब जल के साथ जो है कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। तो ऐसे अणुओं को हम क्या कहते हैं, वृहद जीव अणु, ठीक है। इसके अलावा ये
जो विरत जीवाणु होते हैं जीवों के शरीर की संरचनात्मक घटक होते हैं अर्थात शरीर की संरचना को बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे हमें मालूम है हमारे जो शरीर की कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं, है ना। उस कोशिका झिल्ली का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के द्वारा। जो कोशिका झिल्ली है या जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली जिसको कहते हैं ना, इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स इनके द्वारा इनका निर्माण हुआ है, सेलुलर मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये जो है जब तक ये प्रोटीन मतलब विरहद जीवाणु उपलब्ध नहीं होंगे तो क्या इस झिल्ली का निर्माण होगा, नहीं होगा, ठीक है। फिर हमारे शरीर में जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो केंद्रकीय अम्ल है, नाभिकीय अम्ल जिसको हम कहते हैं या न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, DNA और RNA, ये भी जीव शरीर का एक संरचनात्मक घटक है ना, और कार्यात्मक घटक भी है। क्यों, क्योंकि DNA में जो है द्विगुणन की क्षमता पाया जाता है। DNA क्या करते हैं, द्विगुणित होते हैं, है ना, द्विगुणित होकर अपने समान नया स्ट्रेंथ तैयार करते हैं अर्थात अपने समान नया DNA तैयार करते हैं, जिसके कारण जीवों में कौन सा क्षमता पाया जाता है, प्रजनन का क्षमता पाया जाता है। यदि ये DNA द्विगुणित नहीं होते तो क्या जीव जो है अपने समान संतान उत्पन्न कर सकते, नहीं, कभी नहीं। क्यों, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके शरीर में ऐसा कोई और वो नहीं है जो इस प्रकार विभाजित होकर अपने समान नया श्रृंखला बना ले। तो ये जो DNA की इसी विशेषता के कारण जो है जीवों में प्रजनन की दर उत्पन्न हुआ है, है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं, विरहद जीव अणु के अंतर्गत। अब हम देखते हैं विरहद जीव अणु के अंतर्गत पहला अणु पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स इसे कहेंगे। पॉलीसेक्राइड्स एक प्रकार के जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना। पॉलीसेक्राइड्स क्या है, एक प्रकार के जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका निर्माण मोनोसेक्राइड से कई अणुओं के मिलने से होता है, है ना। पॉलीसेक्राइड्स एक प्रकार के जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका निर्माण मोनोसेक्राइड्स के कई अणुओं के मिलने से होता है, है ना। या वे यौगिक या वे जटिल कार्बोहाइड्रेट्स जिनका निर्माण किसके मिलने से होता है, मोनोसेक्राइड्स के कई अणुओं के मिलने से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड्स, है ना। पॉली मतलब होता है मैनी, है ना, और सेक्राइड्स जो है जैसे हम जो शुगर है, है ना, शर्करा है, शर्करा को कितने भागों में बांटे थे, तीन भागों में। जो शरीर में पाए जाने वाले जो शर्करा है, इस शर्करा को कितने भागों में बांटे थे, सबसे पहला मोनो सेकेराइड्स, दूसरा ओलिगोसेक्राइड्स, और तीसरा पॉली सेकेराइड्स। यहां पर ये जो मोनोसेक्राइड्स होता है ना, जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 से 7 तक होती है, उनको हम क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड्स कहते हैं, ठीक है। फिर ओलिगोसेक्राइड्स जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या जो है 7 से अधिक होता है, या मोनोसेक्राइड्स के 2 या 2 से अधिक अणुओं को हम क्या करा दें, संघनित करा दें, तो उससे बना हुआ यौगिक क्या कहलाता है, ओलिगोसेक्राइड्स कहलाता है, जिसको आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है, ठीक है। अब यहां पर हम देख रहे हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड्स जो है, पॉली मतलब होता है मैनी मतलब ही हो गया हिस्सा या पार्ट्स, है ना, मैनी पार्ट्स, और सेक्राइड का मतलब मोनोसेक्राइड्स हो या फिर ओलिगोसेक्राइड्स, मतलब सरल अणु रूप में एकलक रूप में कौन उपयोग में आएगा, मोनोसेक्राइड्स या ओलिगोसेक्राइड्स। तो इनके बहुलीकरण से बना हुआ यौगिक क्या कहलाएगा, पॉलीसेक्राइड्स, है ना। ये जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं इनका सामान्य सूत्र देख लेते हैं, जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं इनका सामान्य सूत्र लिखा जाता है C6H10O5N, है ना। जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं इनका सामान्य
सूत्र क्या हुआ, C6H10O5 और N, जहां पर N इज इक्वल टू क्या हो सकता है 10 या फिर 10 से कहां तक हो सकता है 1000 तक हो सकता है, उससे आगे भी हो सकता है, तब वो क्या कहलाएगा, पॉलीसेक्राइड्स कहलाएगा। ठीक है, ये जो पॉलीसेक्राइड्स का निर्माण किस कौन सी क्रिया द्वारा हो रहा है, बहुलीकरण के क्रिया द्वारा हो रहा है। जैसे मोनोसेक्राइड्स इनका हम क्रिया कराएं पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण, तो यहां पे क्या बनेगा, पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स के एन अणुओं का, मोनोसेक्राइड्स के एन अणुओं का जब हम क्या कराते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं या फिर बहुलीकरण कराते हैं, तो उससे क्या बनता है, पॉलीसेक्राइड्स बनता है। ठीक है, ये जो पॉलीसेक्राइड्स जो बना है ना, ये क्या कहलाएगा, बहुलक है ना, पॉलीमर। और इसमें जो भाग लेने वाले जो सरल अणु हैं, इस बहुलीकरण की क्रिया में भाग लेने वाला सरल अणु कौन है, मोनोसेक्राइड्स है, इसको हम क्या कहेंगे, मोनोमर या एकलक, मोनोमर या एकलक। और यहां पर जो एन लिखे हैं, ये एन किसकी संख्या, किसके अणुओं की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, मोनोसेक्राइड्स के अणुओं की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात एन इज इक्वल टू 10^1000 से एबव हो सकता है, मतलब 1000 से 10 से लेकर 1000 से ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं, और बहुलीकरण में भाग लेने वाले जो एकलक जो सरल अणु होते हैं उनको मोनोमर कहते हैं या एकलक कहते हैं, और उससे बना हुआ यौगिक क्या कहलाता है, पॉलीमर कहलाता है या बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका निर्माण हुआ। अब ये जो पॉलीसेक्राइड्स हैं, इन पॉलीसेक्राइड्स का अणु आणविक द्रव्यमान क्या होता है, ऊंच होता है, इनकी जो रासायनिक संरचना होती है मोनोसेक्राइड से क्या होगी, जटिल होगी, है ना, आणविक द्रव्यमान अधिक होगा, फिर जल में ये विलेय बहुत कम विलेय है, बहुत कम, है ना, क्योंकि वही हमने बताया कि जैसे जैसे किसी अणु की आणविक द्रव्यमान बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी जल में विलेयता घटता जाता है। ठीक है, तो ये जल में बहुत कम बहुत सूक्ष्म मात्रा में विलेय है, और ये जल के साथ क्या कौन से विलयन बनाते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं। कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, ऐसे विलयन जिसके जिसमें विलेय के कणों का आकार जो है 10 μm से के आसपास होता है ना, उन विलयन को हम क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो ये कोलाइडी विलयन बनाने की इनमें सामर्थ्य होता है। इसके अलावा ये जो पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो आसानी से जल अपघटित होते हैं, और जल अपघटित होकर किसको मुक्त करेंगे, मोनोसेक्राइड्स को, है ना, जल के साथ इनकी क्रिया कराया जाए तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, जल अपघटन। तो पॉलीसेक्राइड्स जो है जल के साथ क्रिया करेंगे और कौन से यौगिक मुक्त करेंगे, मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेकेराइड्स इनका किसके साथ क्रिया करा जाए, H2O के साथ क्रिया करा जाए तो क्या कराएगा, जल अपघटन, और ये जल अपघटित होकर क्या मुक्त करेंगे, मोनोसेक्राइड्स मुक्त करेंगे। अब यहां पर ये मोनोसेक्राइड्स क्यों मुक्त करेंगे, क्यों, क्योंकि पॉलीसेक्राइड्स का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, मोनोसेक्राइड्स के द्वारा हुआ है, है ना, इसलिए ये जो है जब जल अपघटित होते हैं तो पुनः मोनोसेक्राइड्स को उत्पादन करते हैं। ये जो मोनोसेक्राइड्स की उपस्थिति के आधार पर जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, वो दो प्रकार कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। पहला होमोपॉलीसेक्राइड्स, होमो पॉलीसेक्राइड्स, होमो मतलब क्या होता है, समान, होमो का मतलब क्या होता है, समान, और सेक्राइड्स अर्थात जो सुगर है, पेंटो सुगर, सॉरी जो शर्करा है ना, वो हो गया। ठीक है, तो ऐसे पॉलीसेक्राइड्स जिसमें जिसके निर्माण करने वाले जो एकलक होंगे वो एक ही प्रकार के होंगे, मतलब एक ही प्रकार के मोनोसेक्राइड से बने हुए
यौगिक को, जटिल यौगिक को या जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहेंगे, होमोपॉलीसेक्राइड्स कहेंगे। ठीक है, ऐसे पॉलीसेक्राइड्स जिसके एकलकों, एकलक के जो अणु हैं वो एक ही प्रकार के मोनोसेक्राइड से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, होमोपॉलीसेक्राइड्स। या हम इसको दूसरे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स वे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जिनका जल अपघटन करने पर एक ही प्रकार के क्या मिलेगा, मोनोसेक्राइड्स मिलेगा, है ना। होमोपॉलीसेक्राइड्स वे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं या वे जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका जल अपघटन करने पर क्या मिलेगा, एक ही प्रकार के मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे, है ना। तो उनको कहा जाता है होमोपॉलीसेक्राइड्स। जैसे इसके अंतर्गत हम उदाहरण लिख सकते हैं, स्टार्च कहां पाया जाता है, कहां पाया जाता है, पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, है ना, तो भोजन को जो है किस रूप में संचित करके रखते हैं, पत्तियों में, स्टार्च के रूप में। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया। और दूसरा सेल्युलोज, ये सेल्युलोज जो है जीवों की, जो पौधों की कोशिका के चारों ओर जो कोशिका भित्ति पाया जाता है उस कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, होमोपॉलीसेक्राइड्स है, क्योंकि एक ही प्रकार के किससे मिलकर बना हुआ है, मोनोसेक्राइड से मिलकर बना हुआ है। फिर हम दूसरा देख लेते हैं, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स, हेट्रो पॉली सेकेराइड्स, वे जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, वे जटिल कार्बोहाइड्रेट्स जिसके एकलकों का मतलब, या हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स वे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, है ना, जिसके एकलक जो है भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब एक ही प्रकार के मोनोसेक्राइड्स ना होकर भिन्न भिन्न मोनोसेक्राइड से मिलकर बने हुए जो पॉलीसेक्राइड्स होंगे उनको कहा जाता है हेट्रो। हेट्रो मतलब होता है विषम, और होमो मतलब होता है सम, सम मतलब समान, और विषम मतलब क्या होगा, असमान होगा, है ना। तो असमान मोनोसेक्राइड्स के अणुओं से मिलकर बने हुए पॉलीसेक्राइड्स को हम क्या कहेंगे, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स कहेंगे, और समान अणुओं से मिलकर बना हुआ है वो होमोपॉलीसेक्राइड्स कहलाएगा। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स के अंतर्गत उदाहरण है काइटिन, है ना। ये काइटिन कहाँ पाया जाता है, कीट वर्ग के जितने भी जीव हैं, कीट वर्ग कौन से फाइलम में आता है, कौन से संघ में आता है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का एक सबसे बड़ा वर्ग है, इंसेक्टा जिसको कहते हैं, है ना, या कीट वर्ग कहते हैं। तो उस कीट वर्ग के जितने भी कीड़े होते हैं, है ना, उसमें से अधिकांश कीड़ों के चारों ओर मतलब उसके बाहर जो एब्डोमेन रीजन में, है ना, कवच पाया जाता है, कंकाल होता है ना, बाह्य कंकाल, वो बाह्य कंकाल किसका बना रहता है, काइटिन का। और काइटिन क्या है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स का उदाहरण है। काइटिन क्या है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स का उदाहरण है, जो एमाइलेज और दूसरा एमाइलोपैक्टिन से मिलकर बना हुआ है। मतलब इसमें मोनोसेक्राइड जो है एक प्रकार का नहीं है, बल्कि क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। इसी प्रकार दूसरा इसके अंतर्गत हम उदाहरण लिख सकते हैं पैक्टिन, दूसरा हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स क्या है, पैक्टिन, है ना। ये भी दो प्रकार के किससे मिलकर बना हुआ है, मोनोसेक्राइड से मिलकर बना हुआ है, इसलिए कहलाता है पैक्टिन। तो इस प्रकार ये जो पॉलीसेक्राइड्स हो गए मुख्य रूप से कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, क्या क्या, होमोपॉलीसेक्राइड्स और दूसरा हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। जब इनको जल अपघटन किया जाता है, किसको, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स को या होमोपॉलीसेक्राइड्स को, तो जल अपघटन करने पर ये जो है सरल अणुओं में टूटते हैं, उन सरल अणुओं को कहते हैं पेंटोजेंस, है ना। उन सरल अणुओं को क्या कहेंगे, पेंटोजेंस कहेंगे। पेंटोजेंस अर्थात पेंटोज सुगर से बना हुआ है, मतलब पांच कार्बन परमाणु युक्त शर्करा से बना हुआ है तो क्या कहलाएगा वो, पेंटोजेंस, और छह कार्बन परमाणु युक्त शर्करा से बना हुआ है तो क्या कहलाएगा वो, हेक्सोजेंस कहलाएगा, पेंटोजेंस या हेक्सोजेंस। पेंटोजेंस कब कहलाएगा, जब वो पांच कार्बन परमाणु से मिलकर बना हुआ है, मतलब जल अपघटन करने पर पांच कार्बन परमाणु युक्त यदि मोनोसेक्राइड्स को क्या कर रहा है वो, मुक्त कर रहा है, तो क्या कहलाएगा वो,
पेंटोजेंस, और यदि जल अपघटन इनको जल अपघटित करते हैं है ना, तो जल अपघटन करने पर यदि 6 कार्बन परमाणु युक्त मोनोसेक्राइड्स यदि मुक्त करते हैं तो कहलाएंगे हेक्सोजेंस। दूसरा देख लेते हैं अगला चीज इसका पॉलीसेक्राइड्स का, इसमें जो संरचना होता है वो किस प्रकार का होता है। पॉली सेकेराइड्स की संरचना, ये जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं मोनोसेक्राइड्स के अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं है ना, चूंकि मोनोसेक्राइड्स के अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं इसलिए इनमें दो प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित हो सकता है। कौन कौन से क्रियात्मक समूह? एक तो आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच, इसको कौन सा समूह कहते हैं? सी एच ओ कौन सा क्रियात्मक समूह दर्शाता है? एल डी हाइट, इसको दर्शाता है एल्डिहाइड, मतलब इसके कौन से रूप हो सकता है? तो एल्डिहाइडिक रूप हो सकता है, या फिर आर आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसको कौन से रूप बोलते हैं? कीटोनिक या कीटोन कहा जाता है ना, इस रूप में है तो क्या कहलाएगा? कीटोन, और इस रूप में है तो क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड। जैसे आपने पेंटो सुगर जो है दो प्रकार के पेंटो सुगर पढ़ा, एक तो उसके एल्डिहाइडिक रूप और दूसरा उसका कीटोनिक रूप, उसी प्रकार हेक्सो सुगर भी आपने दो प्रकार का पढ़ा है ना, क्या क्या? एल्डिहाइडिक रूप और उसका कीटोनिक रूप, जैसे ग्लूकोस और फ्रुक्टोस है ना, ग्लूकोस और दूसरा फ्रुक्टोस, ये दोनों जो है में अलग अलग क्रियात्मक समूह उपलब्ध होता है। इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है सी एच ओ, और इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है सी डबल बॉन्ड ओ है ना, एक कीटोनिक ग्रुप हो गया और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो रूपों में होता है, इसकी जो संरचना होती है वो सरल होती है, या जैसे जैसे वो आपस में बहुत सारे अणु जो है मिलते जाएंगे जुड़ते जाएंगे तो उसकी संरचना जटिल होती जाती है। तो जब मोनोसेक्राइड्स के अणु आपस में जुड़ते हैं तो जिस स्थान पर दो मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ रहे हैं वहां पर एक बंध बनता है, उस बंध को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध। दो मोनोसेक्राइड्स एक स्थान पर जहां पर जुड़ रहे हैं है ना, वहां पर एक बंध बनेगा, उस बंध को क्या नाम दिया गया है? ग्लाइकोसाइडिक बंद। तो ये ग्लाइकोसाइडिक बंद के द्वारा ये मोनोसेक्राइड जो है आपस में जुड़े हुए होता है, ठीक है। अब मान लो दो मोनोसेक्राइड्स हैं तो एक ग्लाइकोसाइडिक बांड बनेगा है ना, तीन हैं तो दो ग्लाइकोसाइडिक बांड बनेगा, चार अणु हैं मोनोसेक्राइड्स के तो तीन ग्लाइकोसाइडिक बांड बनेगा है ना। उसकी श्रृंखला सीधा भी हो सकता है या शाखित हो सकता है या वलयिक हो सकता है, ठीक है। वो श्रृंखला के ऊपर डिपेंड करेगा को किस एंगल में जुड़ रहा है, सीधी श्रृंखला में जुड़ रहा है या फिर साखित श्रृंखला बना रहा है। इस आधार पर ये कहने का मतलब यह है कि जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो मोनोसेक्राइड्स के अणुओं के आपस में मिलने से जल अपघटन, मतलब उनको जो है आपस में मिलाया जाता है तो जल के एक अणु का निष्कासन होता है, और जिस स्थान पर जल का निष्कासन हो रहा है वहां पर कौन सा बंध बनता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। इसी ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा पॉलीसेक्राइड्स आपस में जुड़े रहते हैं। ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर। अब हम इसको कुछ महत्वपूर्ण जो मोनोसेक्राइड्स हैं इनके बारे में देख लेते हैं, जैसे सेल्यूलोज। ये जो सेल्यूलोज होता है ये पादप कोशिकाओं का एक कोशिका, पादप कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाली जो कोशिका भित्ति का महत्वपूर्ण घटक होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति का महत्वपूर्ण घटक होता है, अर्थात पादप कोशिकाओं के चारों ओर जो कोशिका भित्ति पाया जाता है या रक्षात्मक आवरण जो पाया जाता है वो किससे मिलकर बना हुआ है? सेल्यूलोज से मिलकर बना हुआ है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम चर्चा कर रहे थे सेल्यूलोज के बारे में। ये जो सेल्यूलोज है ये पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है, अर्थात उस कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज के द्वारा हुआ रहता है। अब ये जो सेल्यूलोज है ये किससे बना है इसको देख लेते हैं। तो जो सेल्यूलोज होता है ये मोनोसेक्राइडों के बहुलीकरण से बना हुआ होता है, ठीक है। वो मोनोसेक्राइड्स
में जो भाग लेने वाले जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज, जिसमें बीटा डी ग्लूकोज के लगभग 6000 अणुओं का, मतलब सेलुलोज जो होता है वो बीटा डी ग्लूकोज के कितने अणुओं के मिलने से बनता है, लगभग 6000 अणुओं के बहुलीकरण होने से बनता है। ठीक है, मतलब इसके एकलक का नाम सेलुलोज क्या है, बहुलक है, पॉलीमर है। ठीक है, किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का। ठीक है, और ये किसका उदाहरण होगा, होमो पॉलीसेक्राइड्स का। होमो पॉलीसेक्राइड्स का क्यों, क्योंकि इसके एकलक के अणु एक ही प्रकार के हैं, क्या, बीटा ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज के अणु हैं, है ना, इसलिए एक ही प्रकार के इसमें क्या मौजूद होता है, घटक मौजूद होता है। इसके अलावा ये जो सेलुलोज है पादप कोशिकाओं में, सॉरी जल में जो है ये अविलय होते हैं, जल में घुलते नहीं है, है ना, जल में नहीं घुलने के कारण जो पादप कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण किए हैं, और उसको कोशिकाओं को जो है पादप कोशिकाओं को ये क्या प्रदान करते हैं, आधार प्रदान करते हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, है ना, क्योंकि आधार प्रदान इसलिए किया जाता है क्योंकि पादप कोशिकाओं में कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनता है, भोजन बनता है। ठीक है, तो जहां पर भोजन बन रहा है वहां पर वो करने के लिए, उसको आधार प्रदान करने के लिए रक्षात्मक आवरण की आवश्यकता होती है, तो रक्षात्मक आवरण किसके द्वारा तैयार किया जाता है, सेल्यूलोज के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अलावा ये सेल्यूलोज जो होते हैं तंतुमय भी होते हैं और जल में अविलय होते हैं, है ना, ये जूट में भी पाया जाता है, अलसी में पाया जाता है, ठीक है, और लकड़ी में भी पाया जाता है सेल्यूलोज, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जूट में, अलसी में और लकड़ियों में भी लगभग 20-50% पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो कृत्रिम रेयान तैयार किया जाता है, कृत्रिम रेयान उसके जो तंतु होते हैं वो किसके मिल किससे मिलकर बने हुए होते हैं, घुलनशील सेल्यूलोज से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, ये पादप कोशिकाओं के पत्तियों में, मतलब उनकी कोशिकाओं में पाया जाता है। अब ये सेल्यूलोज का जो है पाचन किसके द्वारा कौन करता है, इसको कौन से जंतु करते हैं, जी जो चौपाया जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, वो करते हैं। आपने गाय बकरी बैल भैंस इत्यादि को जो है जुगाली करते हुए देखा होगा, देखें जुगाली क्यों करता है, जिस समय उसको घास को खाना है उस समय वो मात्र खाने का ही कार्य करती है, गाय की बात करें तो या बकरी की बात करें तो, और उसके बाद इत्मीनान से एक स्थान पर बैठ जाते हैं और बैठकर जो उनके आमाशय में अस्थायी आमाशय में जो संचित उस भोजन को पुनः मुंह पर निकालते हैं, और मुंह पर निकालकर क्या करते हैं, उसको पुनः चबाते हैं। तो उन सेल्यूलोज के पाचन करने के लिए उसमें विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, उनके वो चौपाया जो जानवर होते हैं उनके आमाशय में सेल्यूलोज के पाचन करने वाले एंजाइम्स होते हैं, और कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो आसानी से सेल्यूलोज के पाचन करने में मदद करते हैं, जबकि हम में जो है इसके अभाव होता है, मतलब हमारे शरीर में जो है क्या नहीं पाया जाता, सेल्यूलोज के पाचन करने वाले पाचक एंजाइम्स नहीं पाए जाते। इस कारण चौपाया जानवर में इनका पाचन होता है और हमारे शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो पाता। फिर ये जो सूक्ष्म जीवों में भी ऐसे परकीर्ण पाए जाते हैं जिसके कारण ये आसानी से सेल्यूलोज को क्या कर लेते हैं, पचा लेते हैं। अब इस सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, संरचना को देख लेते हैं, ये ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है, तो यहां पर ग्लूकोज का सूत्र लिख लेते हैं, ग्लूकोज में कितने कार्बन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और CH2OH, फिर HOH, फिर यहां पर एक बंध बनता है जिस बंध को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फिर इससे फिर से जुड़ा रहता है COCCC, यहां पर आ जाएगा CH2OH, HOH, HOH, फिर HOH, और फिर से यहां पर
एक ग्लाइकोसाइडिक बांड बनेगा, ये फिर से जुड़ेगा किससे, कार्बन से, COCCC, फिर CH2OH H, यहां पर लिख देते हैं OH और नीचे हो जाएगा H, यहां पर H OH OH H, यहां पर H, इस प्रकार से इस क्या बनाएंगे, श्रृंखला बनाएंगे, ठीक है। इस श्रृंखला में यहां से लेकर यहां तक के जो अणु हैं इनकी संख्या भी यदि हम n कर दें, ठीक है, क्या कर दें, n कर दें, और n इज इक्वल टू 100 से ऊपर कर दें, तो क्या कहलाएगा, किसकी संरचना कहलाएगा, ग्लूकोज, है ना। तो ग्लूकोज में अब यहां पे विशेषता क्या देखिए, इसकी संरचना में एक अणु क्या है, सीधा है, उसमें ऑक्सीजन परमाणु कहां है, ऊपर, और एक अणु में जो है, दूसरे अणु में जो ग्लूकोज क्या है, उल्टा हो गया, मतलब ऑक्सीजन परमाणु कहां आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। और यहां पर ये जो बंध बना, इसी बंध को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंद, और ये ग्लाइकोसाइडिक बंद की संख्या यदि कितना हो, n हो, ग्लाइकोसाइडिक बंद की संख्या कितनी हो, n हो, और n बराबर कितना हो, 100 से ऊपर हो, तो क्या कहलाएगा, सेल्युलोज कहलाएगा, ठीक है, क्या होगा, सेल्युलोज। अब हम दूसरा यौगिक देख लेते हैं, दूसरा पॉलीसेक्राइड्स, स्टार्च या मंड, स्टार्च या मंड, ये स्टार्च या फिर जो मंड होता है ना, ये पादप जगत में संचित भोजन के रूप में पादप की कोशिकाओं में, पादप कोशिका की जो कोशिका द्रव्य होता है, उस पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे हमने 10वीं कक्षा में एक प्रयोग किया था, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का क्या करना, पता लगाना, पौधों की पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का क्या करना, पता लगाना, ठीक है। तो उसके लिए क्या किए, पहले पत्तियों को उबाल दिए, है ना, और उसमें किसका, उबालने के पश्चात उसमें कौन सा विलयन डाले, उबला हुआ जो निस्यंद है उसमें आयोडीन का, है ना। यदि बैगनी रंग उपस्थित है तो कौन सी, किसकी उपस्थिति प्रमाणित कर रहा है, वो स्टार्च की उपस्थिति को प्रमाणित कर रहा है। तो जो स्टार्च होते हैं ये सेलुलोज से भिन्न होते हैं, ये रेशेदार होते हैं, तनन क्षम्य होते हैं, मतलब तनने की इनमें क्षमता पाया जाता है, है ना। और इनके जो तनन क्षमता जो है सेलुलोज की अपेक्षा काफी अधिक होता है, है ना, जो दो प्रकार के मोनोसेक्राइड से मिलकर बने हुए होते हैं, है ना। कितने प्रकार के मोनोसेक्राइड से, दो प्रकार के मोनोसेक्राइड से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसमें से एक पॉलीसेक्राइड्स को कहते हैं एमाइलोज और दूसरा इमाइलोपेक्टिन। कितने प्रकार के इसमें मोनोसेक्राइड्स हो गए, पॉलीसेक्राइड्स हो गए, एमाइलोज और दूसरा एमाइलोपेक्टिन्स। इनकी यहाँ पर जो स्टार्च के कड़ू में जो है इमाइलेज की संख्या जो होती है वो लगभग 200 से 2000 अणु होते हैं, और एमाइलोपेक्टिन की जो अणुओं की संख्या होती है वो लगभग 250 से 5000 अणु हो सकता है, ठीक है। इसमें स्टार्च के बनाने वाले जो वो हो गए, मतलब एकलक हो गए, है ना, वो कौन कौन से हो गए, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज की संख्या कितना हो सकता है, 200 से लेकर 2000 अणु हो सकता है। इसी प्रकार एमाइलोपेक्टिन का जो संख्या होता है 250 से 5000 तक हो सकता है। इतने अणुओं के आपस में किससे, बहुलीकृत होने से या बहुलीकरण होने से जो बना हुआ यौगिक क्या कहलाता है, स्टार्च। ये जो स्टार्च होते हैं वो धान गेहूं, है ना,
में भी उपस्थित होते हैं। धान को हम खा रहे हैं तो उसमें बंड ग्रुप में स्टार्च ग्रुप में संचित रहता है। जैसे हम चावल को पकाते हैं, पकाने के पश्चात उसको क्या करते हैं, उसमें जो पानी है उसको निथार देते हैं।